हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन सिविल वर्ल्ड। तो आज आपको जो टॉपिक है ये प्लास्टर वर्किंग का टॉपिक है। तो ये जो आप सीलिंग का प्लास्टर दिख रहा है, ये जो इसका रेशियो है 1:3 एंड इसका थिकनेस है 6 mm। अगर आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो इसका सीलिंग का रेशियो प्लास्टर का रेशियो कितना होता है, तो 1:3 एंड 1:4 होता है और इसका थिकनेस 6 mm होता है। ये जो रेशियो है इसका भी ग्रेड भी होता है, ठीक है। अगर आपको पूछेगा जो कितना टोटल कितना ग्रेड होता है प्लास्टर का, क्या ब्रिक वर्क का, तो आप बताएंगे कितना, 7, टोटल 7 ग्रेड होता है, ठीक है, 7 ग्रेड होता है। तो आप अभी जो MM5 में प्लास्टर चल रहा है, ठीक है, तो अभी ये दिख रहा है, ये हो गया कंप्लीट हो गया, अभी सीलिंग का प्लास्टर इसमें टोटल कंप्लीट हो गया। ये जो 7 ग्रेड है ना, ये ग्रेड के बारे में लास्ट में बताएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़ा रहिए। ये जो वॉल है, ये वॉल का जो रेशियो है 1:5 एंड 1:6 है। ये 1:5 है MM5 के अंदर आता है और 1:6 जो है MM3 के अंदर आता है, ठीक है। तो ये देखिए चार्ट, देखिए ये जो चार्ट है, MM0.5, MM0.7, MM1.5, MM2, ये जो दिख रहा है ना, ये इसका बाजू में जो है ये इसका रेशियो है, ठीक है। और लास्ट में जो न्यूटन पर MM स्क्वायर जो लिखा कॉलम है ना, ये है इसका स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी ये जो चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट में जो है MM3 है, MM5 है, MM7.5 है, ठीक है। MM3 के अंदर 1:6 होता है और इसका जो स्ट्रेंथ होता है 3-5 न्यूटन पर MM स्क्वायर। और MM5 जो है इसके अंदर 1:4 एंड 1:5 आता है, इसका स्ट्रेंथ होता है 5-7.5 न्यूटन पर MM स्क्वायर। और इसके बाद जो है MM7.5, इसका जो स्ट्रेंथ होता है 7.5, इसके अंदर रहता है 1:3 रेशियो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है MM ग्रेड और रेशियो। तो दोस्तों हमारा चैनल साथ जुड़ा रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कीजिए, और हर दिन नया नया वीडियो लेके आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा।